सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल चौंकाने वाला वीडियो है और आप भी हैरान हो जाएंगे देख के कि ये कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा पावर बटन है, देख सकते हैं, और मैंने ये पावर बटन को यहाँ से ऑफ़ किया और ऑफ़ करते ये मोबाइल ऑफ हो गया और आप देख सकते हैं इसमें लॉक लग गया। आप ये लाइव देख सकते हैं और ये पैटर्न लॉक मांग रहा है। तो आपके भी मोबाइल में ऐसा ही होता होगा कि जब आप इसे पावर बटन दबा देते होंगे तो मोबाइल लॉक हो जाता होगा। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बदौलत आप मोबाइल को पावर बटन को यहाँ पे प्रेस भी कर देंगे, लॉक भी कर देंगे, लेकिन जब तक आपके मोबाइल हाथ में मोबाइल रहेगा तब तक वो स्क्रीन लॉक नहीं होगा, वो एक स्वाइप में ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हूं कन्हैया और आप देख रहे हैं टेक्निकल फुटेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं अपने सेटिंग को ओपन कर लेता हूं और सेटिंग को ओपन करने के बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग का, तो हम एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। और एडिशनल सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया है डिवाइस एंड प्राइवेसी का, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद सबसे ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है स्मार्ट लॉक, तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जो लॉक है आप उसे लॉक को एक बार यहाँ से डाल दें ताकि आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। तो मैंने लॉक डाल दिया, ये ओपन हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में जो एक ऑप्शन आ रहा है ऑन बॉडी डिटेक्शन, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑफ लिखा हुआ है ऑन बॉडी डिटेक्शन, मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ और यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू कर दिया। और अब इससे क्या फ़ायदा होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद इसे होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। और होम स्क्रीन पे आने के बाद देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको लाइव करके दिखाया था, फिर से मैं पावर बटन को ऑफ करता हूँ देखिए, और मैंने पावर बटन को ऑफ कर दिया हूँ लेकिन ये मेरा मोबाइल लॉक नहीं हुआ है। देख लीजिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब ये जैसे पावर बटन को मैंने दबाया तो देखिए, मैं जैसे इसे स्वाइप करूँगा तो ये फर्स्ट बार मैंने इसे एक बार लॉक अनलॉक कर देता हूँ, डाल देता हूँ जो भी मेरा पैटर्न लॉक है, और फिर सेकेंड टाइम से दिखाता हूँ। अब मैंने इसे पावर बटन को ऑफ करता हूँ दोबारा से, और अब जब इसे दोबारा से ओपन करूंगा तो ये लॉक नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, एक बार में ये स्वाइप हो जाएगा और ये पावर बटन अभी मेरा मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, लेकिन अगर यही कोई दूसरा आदमी अगर इस मोबाइल को चलाएगा तो उसे लॉक लगाना पड़ेगा। और जब तक मेरे मोबाइल में ये मेरे हाथ में ये मोबाइल रहेगा तब तक इसे लॉक नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसे पावर बटन फिर से ऑफ किया और फिर से इसे पावर बटन को ऑन किया तो देखिए यहाँ पे अनलॉक है मेरा फ़ोन, स्वाइप करते ही ये ओपन हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे कि फिर ये लॉक कैसे होगा, तो जैसे मैं इस फ़ोन को रख दूंगा यहाँ पे आपके सामने, देखिए रख दिया मैं, और यहाँ पे इसे पावर बटन को यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ, तो देखिएगा ये 30 सेकेंड बाद ये फ़ोन दोबारा से ये पासवर्ड मांगेगा, मतलब ये मेरे पास में मोबाइल नहीं है। तो मेरे पास में जब तक रहेगा तभी तक ये बॉडी डिटेक्शन काम करता है, मतलब आपके जेब में जब तक रहेगा, आपके हाथ में जब तक रहेगा, आपके साथ में जब तक ये फ़ोन रहेगा तब तक ये अनलॉक लॉक नहीं होगा, अनलॉक रहेगा। लेकिन जैसे ये आप लॉक करके इसे रख देंगे और 30 सेकंड आपसे दूर होगा तो ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो चलिए 30 सेकंड होने ही वाला है, तो मैं आपको दोबारा से फिर इसे देखता हूँ कि ये फ़ोन अब फिर से पैटर्न मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये 30 सेकंड हो गया और आप देख सकते हैं मैंने लाइव दिखाया था, और मैंने अब इसे अपने हाथ में लेता हूं तो देखिए अब ये पैटर्न मांगेगा, क्योंकि ये 30 सेकंड हो गया है और 30 सेकंड बाद ये लॉक हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों कि जब भी आपके पास में फ़ोन रहता है तो आपको अगर बार बार पावर बटन ऑफ करके रख देते हैं फिर निकालेंगे तो आपको पैटर्न नहीं डालना पड़ेगा, एक बार आप स्वाइप करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम था, फिर मैंने इसे लॉक डाल दिया, लेकिन अब फिर से जितनी बार करेंगे ये लॉक नहीं मांगेगा। तो अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।